दोस्तों, मैं तो और आप देख रहे हैं यहाँ पर टैकिंग इंडिया न्यूज़। और मैं अभी हाजीपुर में गुजरी क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे किसान मंडी सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने सभी दुकानें बंद नजर आ रही है, जहाँ पे राजद के आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये किसान जो बिल पास हुआ है, इसमें क्या ऐसा है कि ये लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, इस किसान बिल को बंद करवाना चाहते हैं, वापस दिलवाना चाहते हैं, सरकार पर ये लोग दबाव डालते हैं। ये सरकार ने जो बिल पास किया है, इसमें ऐसा क्या है जो आप लोग देखिए, ये किसान के विरोध में बिल है जो किसान के व्यक्तित्व इच्छा को अंबानी अंडानी के हाथों बेचा जा रहा है। किसान अपना जो मूल्य अपना तय नहीं करेगा, ये मूल्य अंबानी और अंडानी बड़े पूंजीपति तय करेगा। इसीलिए पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरे भारत में सारा किसान रोड पर उतरा हुआ है और सभी विपक्षी पार्टी रोड पर उतरा हुआ है। और आज पूरे बिहार और भारत पूर्णतः बंद है और जनता का भी समर्थन है। दुकानदार आप देख लीजिए, सभी दुकानें बंद है और दुकानदार लोग भी समर्थन किए हुए हैं। और नौजवान, खास करके तो नौजवान वर्ग नरेंद्र मोदी के ही तानाशाही रवैये के, बेरोजगार को जो बेरोजगार पर जो दमन हो रहा है उसके विरोध में नौजवान तो हम लोग के साथ है। 67% नौजवान जो बेरोजगार हैं वो हम लोग के साथ हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, किसान का जो बिल वापस नहीं होगा, तब तक पूरे विपक्ष खास करके बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमेशा चरणबद्ध आंदोलन होते रहेगा। और हम लोग रोड पर इसी तरह जनता के हित में, किसान के हित में मांग करते रहें। ये हाजीपुर का जो है बहुत मशहूर ये हाजीपुर का जो है बहुत मशहूर क्षेत्र है गुजरी बाजार। यहाँ पे हजारों की संख्या में एवरीडे यहाँ पे रोज लोग आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग नाराज हैं या फिर आपका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आपका समर्थन कर रहे हैं? जी, समर्थन कर रहे हैं, तभी तो बंद है, ये देख रहे हैं पूरा। ये लोग भी चाह रहे हैं, मतलब ये जो किसान बिल जो पास हुआ है वो निष्कासित हो। जी, वो कानून हटना चाहिए, किसान जो ये किए वो बिल हटना चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे बोलते हैं, दुकानदार देखिए, ये बीजेपी सरकार हमेशा रात के अंधेरे में कोई कानून लाती है। ये जाप 6 महीना पहले जून में ही ऑडियंस लाया गया, क्या जरूरत थी ऑडियंस लाने की? और आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये हमने किसानों के हित में लाया है, लेकिन किसी किसान से बात नहीं किया। आज वही किसान सड़कों पर है, वो MSP की मांग कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मुझे चाहिए। वो आज ये सरकार कह रही है कि नहीं, ये निजीकरण की तरफ बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो सरकारी जो बाजार है उस बाजार को बंद कर देगा और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। आज 1750 रुपये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन आज 1300-1200 रुपये बेचा जा रहा है। किसान जाए तो जाए कहाँ? आज उसको और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो तीनों बिल अगर वापस नहीं होता है, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। किसान समर्थन में हम लोग हैं और सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते रहेंगे। मेरा दोस्तों, आप लोगों इन लोगों का कहना है कि जब तक मतलब ये बिल सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। आप यहाँ पर देख आइए, एक और जो है ये भी किसान है, इनसे जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर इनका राय क्या है। आप किसान और ये आप लोगों ने यहाँ पे किसान लोगों का साथ जो है, यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता उनका सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दुकानें जो है, दुकानदार जो है वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं दुकान बंद करके। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाया जाए, दुकान दिखाया जाए, ये दुकानें बंद हैं। अब
दुकानदार लोग जितने भी दुकानदार हैं मतलब अपना समर्थन दे रहे हैं कि किसान बिल वापस हो। ये जो बिल जो पास हुआ है इसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोटा मोटी बात है कि जो एनडीए की सरकार किसान के विरोध में हमेशा काम करते आ रही है। किसान अपने मन से जो अनाज पैदा करेगा वो अपने मन से नहीं बेचेगा, वह अडानी अवानी के मूल्य निर्धारित करेगा वह हम लोग बेचेंगे। तो हम उपजा करते हैं 22 रुपया खर्चा पड़ता है एक किलो धान पर, और देगा हमको 15 रुपया 12 रुपया थोक देगा। इसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में बंद हैं, पूरे भारत बंद हैं। किसान के मूल जो होना चाहिए वो नहीं दे रही है, इसीलिए आज हम लोग बंद कर किसान। ये आपका विरोध कब तक जारी है? जब तक वह काम नहीं करेगा या आपस नहीं लेगा, बिल आपस कर लेगा, हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे, तो चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। दोस्तों ये हम लोग जो है अभी जो यहाँ पे हम है, ये गुदरी बाजार है, हाजीपुर का बिहार के वैशाली जिला का गुदरी बाजार है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जितने दुकानदार है वो इन लोगों को किसान को खत्म करे, उसे वापस दे।